ये देखिए, जस्ट आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं इसके सामने जा रहा हूँ, देखिए गाड़ी जो है ऑटोमेटिक अनलॉक हो रही है, और यहाँ पे जो इसके ORVM है वो अनफोल्ड हो गया है, और जो इसकी डोर हैंडल्स है वो बाहर की तरफ आ गया। ये आपको बेसिकली वेलकम कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, ये है MG की तरफ से न्यूली लॉन्च MG विंडसर EV मॉडल है, ठीक है। ये एक कूपे SUV कार है। चूंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी के टाइम में ना, कूपे SUV का सेगमेंट का जो कार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चलन में। अगर आप नोटिस करेंगे तो टाटा की जो है कर, वो भी एक कूपे सेगमेंट की कार है, और एक टाइम का होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो पहले वाले ज़माने में क्या था ना, कुछ समय पहले सेडान का काफ़ी ज़्यादा चलन था, उसके बाद जो है SUV का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था मार्केट में, सभी लोग SUV की तरफ भाग रहे थे। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो कूपे SUV सेगमेंट बनाया ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली तौर पे चल रही है, और इसका क्रेज़ जो है दिन पे दिन इंडियन मार्केट में बहुत ही बढ़ते जा रहा है। उसी के हिसाब से MG ने अभी न्यूली लॉन्च की है MG विंडसर EV मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में, कि क्या क्या खास फीचर्स जो आपको इसमें मिलता है, जो इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रैक्टिकली भी बनाता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा खास भी बनाता है। चूँकि ऑलरेडी मैंने इसका डिटेल रिव्यू बना रखा है, आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसके डिटेल रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, फटाक से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलता है, जो है एक्साइड, एक्सक्लूसिव और एसेंस। ये एसेंस मॉडल है, इसका टॉप एंड वेरिएंट है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग का, तो इसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 13,15,000 से, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसकी एक शोरूम प्राइस आती है 15,50,000। बहुत ही जेन्युइन प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है। ये कॉम्पिटिटर किलर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप टाटा की कर्व वगैरह किसी भी गाड़ी को लेंगे तो वो आपको 20+ आपको आएगा, 20 लाख प्लस प्राइस में। और इस प्राइस रेंज में जो ये फीचर्स दे रही है ना, अभी मैं आगे चल के आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली तौर पे दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ बताने से पहले मैं आपको इसकी कीज दिखा देना चाहता हूँ, कि इसकी कीज कुछ इस टाइप का है, काफी स्टाइलिश लुक के साथ कीज आता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक और यहाँ से बूट को ओपन कर सकते हैं। अब जो ये कीज है ना, इसका कमाल है ना, कोई और इस प्राइस रेंज में ये चीज ऑफर नहीं करती। अभी क्या खासियत है ना, मैं आपको थोड़ा सा दूर जाकर दिखाता हूँ। ये देखो, कीज मेरे हाथ में, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई भी बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी जो है मेरी वहाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ी जो है फुल्ली लॉक्ड है। इसकी ORVM वगैरह सब कुछ फोल्ड किया हुआ, ठीक है। और ये कीज़ है। अभी देखिए, मैं जस्ट सामने जाऊँगा, देखिए कितना प्रीमियम फीचर है, जो इस प्राइस रेंज के साथ में कोई और कंपनी नहीं देती है। ये देखिए, जस्ट आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं इसके सामने जा रहा हूँ, देखिए गाड़ी जो है ऑटोमेटिक अनलॉक हो रही है, और यहाँ पे जो इसके ORVM है वो अनफोल्ड हो गया है, और जो इसकी डोर हैंडल्स है वो बाहर की तरफ आ गया। ये आपको बेसिकली वेलकम कर रही है। और सबसे पहले जैसे मैं इसके अंदर जाऊँगा, अभी यहाँ पे देखिए, अभी देखिए ये जो है वेलकम कर रही है। अब जैसे ही मैं इसकी गेट को ओपन करूँगा, उसके बाद जैसे मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे देखिए जो AC वगैरह है सब कुछ चालू हो गया। ये जो इसके देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब कुछ चालू हो गया। यहाँ पे देखिए, अभी भी मैं कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है अनलॉक हो गया है। यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है इसकी, और यहाँ पे AC वगैरह थोड़ो देख सकते हैं, सब कुछ चालू हो गया। अभी ये इतना ज़्यादा प्रीमियम फीचर है ना, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस कीज़ को आपको पॉकेट में रखना है, इससे कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहे तो इसे लॉक अनलॉक मैनुअली कर सकते हैं, बट इतना प्रीमियम फीचर आपको दे रहा है कि आपको जरा भी कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी देखिए, ये सारा कुछ चालू हो गया, आपकी AC तक चालू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वगैरह सारा कुछ ऑन हो गया है, कि इनकेस अगर गर्मी का टाइम है तो आपको थोड़ा भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, सारा कुछ ऑटोमेटिक में चला गया है, देखिए सब कुछ चालू हो गया आपके सामने, स्क्रीन वगैरह सब कुछ आ गया। ये काफी प्रीमियम सा फीचर है। अगर आपको बस चलाना, तो यहाँ से जस्ट ब्रेक को प्रेस करके चल जाना है। इनकेस अगर आपको नहीं चलाना, तो अभी देखिए क्या करना है, मैं सिंपल अभी देखिए कोई भी कीज को प्रेस नहीं किया हूं, यहां पे पकड़ कर रखा हूं, सिंपल जो है गेट को लॉक करूंगा, और देखिए मैं जस्ट इससे दूर जाऊंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहां पे देखिए, जो है इसका ऑटोमेटिक सारा डोर लॉक हो गया है, ORVM जो है वो फोल्ड हो गई है, और जो गाड़ी है पूरी तरीके से लॉक हो गई है। अब कितना प्रीमियम फीचर है आप समझ सकते हैं। मैंने अभी तक कोई भी बटन को प्रेस नहीं किया। वापस से जैसे मैं उसके सामने जाऊंगा, वापस से देखिए जो है ORVM जो है वो अनफोल्ड हो गई है, डोर जो है ओपन हो गया। तो कितना प्रीमियम फीचर्स है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका वॉक एंड रिव्यू आपको देता चलूँ, क्योंकि मैंने जो है ऑलरेडी इसके लिए डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जरूर चेकआउट करें। फिर भी मैं एक ओवरऑल जो है इसका वॉक एंड रिव्यू आपको बता देना चाहता हूँ, जो है गाड़ी दिखने में कैसी है। तो फ्रंट से अगर आप गाड़ी देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। चूंकि MG जानी जाती है अपनी प्रॉपर डिज़ाइन के मामले में और अपनी फीचर्स के मामले में, आपको इसमें फीचर्स ऐसे ऐसे मिलेंगे ना, कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली तौर पे काफ़ी यूजफुल है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा DRL है। अगर मैं इसकी DRL को जस्ट ओपन करता हूँ, ग्लो करता हूँ, वहाँ पे देखिए
ये DRL प्रॉपर यहाँ से लेकर यहाँ पे है, देख सकते हैं कितना बड़ा सा इसका लोगो। और एक चीज काफी कमाल का ना, यहाँ पे अगर आप इसकी लोगो को देखेंगे ना, ये लोगो भी जो है इल्यूमिनेटेड है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें भी आपको प्रॉपर DRL टाइप का इसमें लाइट ग्लो होगा। तो इसका और इसका जो कॉम्बिनेशन है काफी कमाल का है। और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, चूंकि ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूं इसकी अंदर, और इसकी इंटीरियर आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड काफी प्रीमियम से लगेगा, चूंकि MG ने एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसका। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके हैं जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देते हैं, ये एकदम ही अलग है। ये प्रॉपर देख सकते हैं आप, एकदम टैप भी नहीं कर सकते आप, एक बड़ा सा लैपटॉप का लग रहा है स्क्रीन दिया गया है। आप देख सकते हैं अगर आप हेक्टर में नोटिस करेंगे तो हेक्टर में जो था वो था उसका वर्टिकल शेप में था, अभी इसमें क्या किया विंडसर में वो इसका हॉरिजेंटल शेप में कर दिया। इसमें फायदा क्या ना, आप वेब सीरीज वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, सारा कुछ ऐप है। अगर आप कहीं फैमिली में गए किसी का वेट कर रहे तो आप बोर नहीं होंगे, जस्ट आप इसको ओपन करेंगे और कोई भी वेब सीरीज वगैरह यूट्यूब वगैरह आप इसमें चला सकते हैं। तो काफी मतलब सोच समझ के इसमें दिया गया। और भाई सारा कुछ आपका स्क्रीन से ऑपरेट होता है। अगर आपको एसी को ऑपरेट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं एसी को करना है कम या ज्यादा, इसका फैन को थोड़ा का कम या ज्यादा कर सकते हैं, या यहाँ पे कूलिंग को हाई या लो कर सकते हैं। भाई यहाँ पे आपको फ्रंट में दो वेंटिलेटेड सीट भी मिलता है, उसकी भी बटन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो चाहिए आप यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं, सारा कुछ इससे आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का व्यू लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ, आपको जो है इसकी 360 डिग्री कैमरा का व्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ आपको डिसेंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप नोटिस करेंगे बहुत सारे मोड्स भी है, यहाँ पे देखिए इको प्लस, फिर इको, फिर नॉर्मल और स्पोर्ट्स, और उस पर भी देखिए एनर्जी लाइट नॉर्मल हैवी। तो आप जिस कंडीशन में चाहिए तो आप वहां से जो है इसका बेसिकली परफॉर्मेंस को निकाल सकते हैं, काफी कमाल का परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे है बेसिकली, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें जाऊंगा तो इसमें भी है ऑनलाइन म्यूजिक, आईकॉल, व्हीकल सेटिंग्स, ड्राइविंग मोड्स, बहुत सारे सेटिंग्स आप वहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ है, अगर आप इसको ऑपरेट करने लग जाएंगे तो आपको बहुत ईजी होगा हर एक चीज़ करने में। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रेंज वगैरह है, कितनी बैटरी जो है चार्ज वो है, और HVAC यहाँ पे देखिए हाई लो जो भी AC वगैरह, जियो सावन वगैरह, बहुत सारे ऐप भी इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो चीज़ चाहिए ना सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। आप यहाँ पे सारा सेटिंग्स वगैरह में जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे देखिए कैबिन मोड्स वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे किस मोड्स में रखना है, वैलेट मोड, क्विट मोड, हर तरह का आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो काफी प्रैक्टिकल गाड़ी है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा स्क्रीन दिया गया, ये भी प्रॉपर डिजिटल में आपको दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज है। और प्रॉपर अगर डोर कोई ओपन है तो वहाँ पे भी बता रहा है किस टाइप का डोर किधर ओपन है, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो और यहाँ पे एनर्जी वगैरह, ऑडोमीटर वगैरह, ड्राइविंग मोड्स वगैरह, बहुत सारा चीज दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया गया, यहाँ पे मीडिया के कंट्रोलर्स वगैरह दिया गया, यहाँ पे आपको वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोलर्स दिया गया, यहाँ पे आपको कुछ मोड्स दिया गया, ड्राइविंग मोड्स, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक को शिफ्ट करके यहाँ पे मोड्स दिया गया है। और इसका जो सेंटर कंसोल है ना वो काफी प्रीमियम सा है, मैंने ऑलरेडी इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिखाता चलूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस हिसाब से है। इसके अलावा इसमें आपको दो दो जो है कंसोल देखने को मिलेगा, एक तो ऊपर में है और इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी है जिसको आप फर्दर जो है इसको कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर भी देखिए दो दो चार्जिंग के पॉइंट्स दिया गया, एक टाइप सी और टाइप ए, यहाँ पे भी अच्छा खासा आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं, फोन वगैरह रखो चार्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपके वायरलेस चार्जिंग के लिए भी दिया गया है। और सबसे खास बात क्या है ना कि इसमें आपको मिलता है मूनरूफ, आप देख सकते हैं इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं आता बट इसमें बहुत ही बड़ा सा मूनरूफ आता है, कंपनी क्लेम करती है। और यहाँ पे सबसे खासियत क्या है ना कि जब आप नाइट में स्काई को देखेंगे और खास तौर पे जब आप बारिश में बारिश के बूंदे को देखेंगे, जब इस पे टकराएंगे तो काफी कमाल का लुक आता है। बहुत सारे लोगों को सनरूफ पसंद है बट बहुत सारे लोगों का सनरूफ नहीं पसंद है, उनको उससे उसका प्राइवेसी को भी खतरा होता है, उस केस में ये गाड़ी को बहुत लोग पसंद करता है। इसमें एक फायदा क्या ना, इसमें आपको कोई भी वाटर का लीकेज वगैरह किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको लाइट पसंद है, जिनको थोड़ा सा नेचर से पसंद है, घूमना पसंद है, उन लोगों के लिए काफी कमाल की बात है। हाँ, हालांकि यहाँ पे अगर आप इसका पैनोरामिक सनरूफ दे देते हैं ओपन होता तो ये गाड़ी कुछ थोड़ा सा और अलग की बात है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा बड़ा एकदम पीछे तक लोग जो है लाइट में जो है कैबिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ना कि गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको सीटिंग कंफर्ट कितना देता है, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप सीट की मैं बात करूं तो सीट आप देख चुके हैं कि सीट की कुशनी किस हिसाब से कितना कंफर्टेबल लगेगा कि आप जो है सोफा में बैठे हुए। मैं प्रॉपर सीट के अंदर बैठ गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्रॉपर अपनी जो है रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठा हूं, रिक्लाइनिंग सीट पे बैठा हूं, जो घर वाले सोफा आता है उसमें। काफी कंफर्टेबल है, इससे आप 200, 400, 500 क्या इवन 1000 किलोमीटर भी अगर आप रेंज को चार्ज कर करके जा सकते हैं तो आप बेहिचक जा सकते हैं, आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कूपे सेगमेंट की कार है तो स्पेस से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसमें आपको 9 स्पीकर सिस्टम का सेटअप देखने को मिलेगा, ऑडियो क्वालिटी काफी कमाल का है। तो चलिए चलते हैं इसके रियर सीट में एंड वहां पे आपको कुछ दिखाते हैं।
तो जैसे ही अगर आप इसकी रियर सीट में आएंगे ना, तो काफी कंफर्टेबल आपको सीट मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप प्रॉपर देख सकते हैं, एक सोफा लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और रियली बता रहा हूँ, लिटरली काफी कंफर्टेबल आपको सीट मिलने वाला है रियल में। और अगर आप इसका जस्ट एंगल देखें ना, रिक्लाइनिंग एंगल, तो यहाँ पे देखिए, ये जो सीट है वो काफी डाउन है। मैं इसको प्रॉपर पहले सीट मिलाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद देखिए, ये देखिए, मैं प्रॉपर जैसे जस्ट सो गया हूँ। काफी कंफर्टेबल दोस्तों, इसकी जो सीट है ना, काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें स्पेस रिलेटेड कोई भी कमी नहीं होने वाला है। और अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए, कितना कमाल का इसका नजारा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा आपको जो है इसकी मूनरूफ देखने को मिलेगा, और काफी कमाल का ये गाड़ी है। और एक चीज क्या है ना, कि यहाँ से जस्ट आप इसके बूट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चल के इसका बूट स्पेस दिखाते हैं कि कितना मिलता है, चूंकि कूपे सेगमेंट जानी जाती है अपनी स्पेस के मामले में, ठीक है। और कूपे सेगमेंट में आपको बूट स्पेस भर भर के मिलता है, और इसमें देखते हैं कितना मिलता है। तो चलिए फटाक से इसको ओपन करते हैं। आप इसको कीज को भी प्रेस करके जो है इसका टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेलगेट जो है ओपन हो गया है, और उसके बाद जस्ट इसको अप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ इतना बड़ा आपको स्पेस मिलता है। बात करूँ इसमें, तो इसमें आपको 579 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा बूट स्पेस यही गाड़ी ऑफर करती है। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें भी कंपार्टमेंट बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर में जो इसका सबवूफर वगैरह भी है, और यहाँ पे बहुत सारे टूल किट्स वगैरह रखने के लिए स्पेस देखिएगा। अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक छोटा दो तीन जो बैग है वो यहाँ पे भी आप इजिली रख सकते हैं, इसके अंदर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर आप जस्ट इसकी सीट देखेंगे रियर है, ये भी 60-40 रेशियो में जो है स्पीड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसका बूट स्पेस को और भी ज्यादा, अगर आप लोग पीछे में कोई भी वैसा पैसेंजर नहीं है तो और भी ज्यादा जो इसका बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए, मेरा जो हाइट है वो है 5.9 इंच, यहाँ पे 6 फीट का बंदा इवन यहाँ पे गाड़ी में इजिली जो है सामान निकाल सकता है और रख सकता है। इसकी जो है हेड वो यहाँ पे टच नहीं होगा। यही सबसे मेजर चीज होता है एक कूपे सेगमेंट की कार लेने में, आपको बहुत ही बढ़िया सारा चीज को सोच के यहाँ पे इसको बनाया जाता है, कि आप इजिली कोई भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, आपको थोड़ा भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वापस से जस्ट इसको आप ग्रैब करके इसको लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करूं इसकी रेंज का, तो कंपनी क्लेम करती है 331 किलोमीटर का, और अभी तक मैंने इसका जो है रेंज टेस्ट नहीं किया। होपफुली मैं बहुत ही जल्दी जो है इसका रेंज टेस्ट भी लिखाऊं, उसमें आपको सारा कुछ एक्यूरेट भी आपको बताऊंगा। और बात करूं इसके बैटरी की कैपेसिटी का, जिसमें आपको 38 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि इसकी फ्लोर के नीचे प्लेस किया गया है। बात करूं इसकी मोटर की परफॉर्मेंस का, जिसमें आपको 134 BHP पावर मिलती है और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अब इसकी वारंटी, तो कंपनी क्लेम करती है इसकी बैटरी और मोटर की वारंटी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी, जो कि बहुत ही ज्यादा वारंटी होती है। अभी देखिए नॉर्मल गाड़ी होता क्या ना, कि लोग 5 से 10 साल के बीच में ही चलाते हैं, 5 साल 7 साल 8 साल। तो अगर आप 8 साल के लिए गाड़ी जो है ऑलरेडी कंपनी जो है वारंटी आपको दे ही रही है, तो फिर आपको किसी बात का कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा ओवरऑल कार में आपको 3 ईयर्स विथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की आपको वारंटी मिलती है। जो मेजर पॉइंट था ना, कि जो इसकी मेजर पार्ट है, जो इसकी बैटरी और मोटर, उसमें आपको ह्यूज जो है वारंटी मिल रही है, अच्छा खासा वारंटी कवर करी है कंपनी, तो आई थिंक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इस शोरूम का एड्रेस आपको बता देना चाहता हूँ, कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ सिंघानिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है अपना गोविंदपुर धनबाद झारखंड में। और मैं प्रॉपर एड्रेस विद फोन नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके फर्दर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और MG की किसी भी गाड़ी से कोई भी क्यूरीज हो, या फिर किसी भी गाड़ी को परचेज करना हो, तो आप वहाँ पे जाके बेचक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई क्यूरीज रह गया हो तो आप मुझे सिंपल कमेंट भी करें, मैं वहाँ पे जरूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास मुलाकात MG की तरफ से आने वाली MG विंडसर EB के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप भी ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एक्सप्लोर ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए हर नई और चर्चित गाड़ियों का डिटेल भी, जो आपकी अगली गाड़ी को पसंद करने में काफी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी जबरदस्त रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।